राजनगरी आगरा में आसमान में छाए बादलों का ब्रेक फेल हुआ तो सड़क पर दरिया बहने लगा। आगरा के सिकंदरा हाईवे पर इतना पानी भर गया, सड़क से गुजरने वाली कई गाड़ियां बंद हो गई। तस्वीर देखिए, कोई बाइक को धक्का लगा रहा है तो कोई खींच रहा है, कई तो चार पहिया वाहन पानी के बीच खड़े दिखाई दिए। यूं तो बारिश महज एक घंटे या इससे कुछ ज्यादा की थी, लेकिन बारिश के पानी ने आगरा के कई इलाकों को तालाब में तब्दील कर दिया। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी वहां ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आया। जलभराव से परेशान आगरा की जनता प्रशासन और अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा रही है। और ये इस तरीके से पानी भर जाना लोगों को बड़ी समस्या है। यहाँ पे जो नाली है, नाली का ढक्कन भी नहीं लगा है, जिसमें कई बार गाड़ियाँ भी फंस गई हैं। और आज तो ऐसी हालत है कि जो मार्केट बनी हुई है आप पीछे देख रहे हैं, उसमें भी काफ़ी पानी भर गया है। तो कई दुकानें हैं जिसमें काफ़ी माल का नुकसान हुआ है, उसमें होती रहती है। कई बार अधिकारी लोग आए हैं, ऊपर से फोटो सेशन वगैरह करके चले जाते हैं, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है अभी तक। बारिश के बाद आगरा का सिकंदरा हाईवे किसी स्विमिंग पूल की तरह नजर आया। हाईवे से गुजरने वाली कारें फंस गई, बस और बड़े बड़े वाहनों की स्पीड थम गई। अब आगरा के शास्त्रीपुरम कॉलोनी की तस्वीर देखिए। बारिश के चलते कॉलोनी के मकान पानी पानी हो गए। घर की लॉबी से लेकर अंदर के कमरे और बेडरूम तक सब बेपानी लबालब है। तस्वीर पर गौर कीजिए, मकान के बेडरूम में पानी भरा है। एक महिला बेड पर मौजूद है, सामने एक युवक सोफे पर बैठा है और घर के फर्श पर पड़ा सामान पानी में तैर रहा है। लोगों के घरों की हालत तो आपने देख ली, अब देखिए पुलिस चौकी की स्थिति। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण कुकथला पुलिस चौकी की छत भरभरा कर गिर गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय जन सुनवाई हो रही थी। इस हादसे में दरोगा सहित तीन लोग घायल हुए हैं। आगरा में हुई तेज बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है, क्योंकि कुछ वक्त की तेज बारिश में शहर के कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें आम हो गई हैं। जलभराव की स्थिति आम लोगों के लिए मुसीबत सबब बन गई है, जिससे लोग जूझते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।